अरे मेरा भाई इतने स्पीड से आगे आगे जा रहा है, मेरे को पीछे छोड़ के जाना और कुछ नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। सो यहाँ मैं उठ गई थी एंड अभी बज रहे होंगे एक, हाँ एक। तो आज मैं लेट उठी थी क्योंकि ना मैं थक गई थी और ऊपर से आज संडे भी है, तो मेरे पास आज काफ़ी रीजन्स थे लेट सोने के, तो मैं सो सकती हूँ आराम से। तो फिर भी मैं उठी गई। तो अभी मैंने नहावा सब कुछ लिया एंड अभी मेरा कोई प्लान व्लान तो है नहीं फिलहाल अभी तक, बट अगर कुछ बनता है तो मैं ज़रूर यहाँ पे दिखाऊंगी। अब देखते हैं आज पूरे रूटीन में मेरा क्या क्या होने वाला है। बाकी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। हेलो फ्रेंड्स, मेरे ना चाचा आ रखे हुए मेरे घर में, मेरे लिए दो चॉकलेट्स लेकर आए। ये मेरी नहीं है वैसे, एक मेरे भाई की है और एक मेरी है। और मेरे चाचा की क्या काटने वाली स्किल्स। चाचा आपको काटना सच में आता है ना? हाँ अच्छे काटे हमने, अच्छे काटे, वेरी गुड। क्या मेरे चाचा चिकन लेकर आए हुए हैं, तो आज हमारे यहाँ चिकन पार्टी होएगी। तो हमने आते ही चाचा को काम में लगा दिया है। मेरी मम्मी ने काम चोरी करी है। नहीं मम्मी, उसे काम चोरी नहीं, उसे छुट्टी लेना चाहिए। क्यों चाचा सिखा रहे हैं इसलिए? क्या चाचा आप तो अच्छे खासे कुक हो, तो आप ही हमारे घर में खाना बना दिया करना आपसे। तनख्वाह दे देना। क्या बोल रहे हो, तनख्वाह दे देना? क्यों आप अपने घर के लिए काम कर रहे हो, इसमें तनख्वाह क्या चाहिए? फ्री में तो मैं अपने लिए काम नहीं करता। हाँ, फ्री में तो अपने लिए, पर आपको घर वालों के लिए करना चाहिए। हाँ आते ही हमने काम में लगवा दिया। मैं क्या करूँ फ्रेंड्स, मेरे फैमिली में ना सब इतने शर्मीले वर्मीले हैं ना, कोई अपना मुखड़ा नहीं दिखाना चाहता है। पता नहीं इनको क्या ही लगता है, नजर लग जाएगी क्या लग जाएगी, बस बोलेंगे पीछे से दिखा दो। तो लोग पीछे से देख सकते हो क्योंकि मेरे चाचा मेरे काम कर रहे हैं किचन में। आते हम लोगों को, हम लोगों ने ना उन्हें काम पे लगा दिया, बस अभी बन रहा है अच्छा खासा, कुछ अच्छा ही आएगा। आपने क्या डाला प्याज के बाद? ये क्या डाला आपने? जीरा और धनिया। अब बताओ, अब ये ये सब कुछ डाल देंगे? और मैंने शाही टुकड़ा बनाया था घर में, शाही टुकड़ा, और वो मेरे को ही नहीं मिला। वो मेरे को ही नहीं मिला, सारे पड़ोसी आ रहे हैं उस टाइम, तीन या चार ही पड़ोसी आ रहे। तो देख देख कर ही भर गई मुझे भूख है मम्मी, देख देख कर ही वैसे भर जाता है इंसान। कलर लगाने के लिए कलर कितना अच्छा आ रहा है ना, ऐसा कलर। और एक वो लाल वाला नहीं होता जो रेड रेड वाला होता है, वो कलर बहुत अच्छा लगता है। लाल मिर्च और लाल से रेड हो जाएगा। हां रेड हो जाएगा। क्या बोल रहे हो, कैसे लगाते हैं? लग गया। आ जाओ बैठो। हाँ तो फ्रेंड्स ना मेरे चाचा चले गए, तो मैं ना उनको बस जस्ट ड्रॉप करके है ना, ड्रॉप किया यार, छोड़ के आई हूँ नीचे तक ही। और अभी मैं अपने भाई के साथ जा रही हूँ ऑफिस के लिए बैग लेने के लिए, तो बस अभी मार्केट जा रही हूँ, देन आपको दिखाती हूँ। हाँ तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरे फैमिली में सबके सब शर्मीले हैं, तो भाई बस उनका बैग देखने को ही मिल सकता है। तो यहाँ पर मेरा भाई ना मुझसे बहुत जल्दी जल्दी भागे जा रहा है क्योंकि ना मैं वीडियो बना रही हूँ ना इसीलिए। मैं रिक्शे में बैठ गई हूँ और अभी मार्केट जा रही हूँ, मार्केट में ज़्यादा सिर्फ नहीं दिखा पाऊंगी। हाँ तो फ्रेंड्स ना मैं पहुँच गई हूँ, बाकी मैं एक बार शॉपिंग कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगी क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी रिकॉर्ड, तो जितना होता है उतना दिखा लूँगी ठीक है। फ्रेंड्स अंदर से ना बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए ना अब हम लोग अंदर से आ रहे हैं क्योंकि ना यहाँ से शॉर्टकट है और ऊपर से यहाँ से फिर हम थोड़ा शॉर्टकट मार के जल्दी जल्दी पहुँच जाएंगे बिना भीड़ भाड़ के। तो ये है अंदर से रास्ता मार्केट के तरफ जाने का, जो कि काफ़ी अच्छा है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भीड़ भड़ाका नहीं है। और ये मंदिर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो यहाँ से रास्ता निकल गया है मार्केट जाने के लिए, बस हम वहीं प्रस्थान कर रहे हैं। हाँ तो फ्रेंड्स मैं ना बैग की शॉप में आ गई, अब देखते हैं यहाँ पर मुझे कौन सा बैग पसंद आएगा। हाँ तो फ्रेंड्स मुझे ना नहीं मिला मेरे मनपसंद का
बैग, उन्होंने बोला कि वो आएगा वेडनेसडे को, वो मंगवा देंगे क्योंकि मुझे ब्लैक में चाहिए था और उनके पास नहीं था अवेलेबल। तो अभी हम जा रहे हैं वापस घर को, तो और चीज़ तो कुछ लेनी है नहीं। अब मुझे ना भूख भूख से लग गई है क्योंकि मैं बाहर आती हूँ ना, तो पता नहीं मुझे भूख तो बहुत लग जाती है। अब देखते हैं कुछ मिल जाता तो फिर खाएंगे। तो हम यहाँ पे आ गए सोडा ड्रिंक्स में, मेरा भाई ले रहा है सोडा। तो यहाँ आ गया मेरा ब्लूबेरी सोडा और ये वाला शेक मेरे भाई ने मुझे दिलाया है। हाँ तो फ्रेंड्स, मैं ना घर को जा रही हूँ। मैंने ना पास्ता पैक करवा लिया है क्योंकि मैं वहाँ पे नहीं खाना चाहती थी, बहुत ज़्यादा क्राउड हो रहा था ना इसीलिए। तो घर में जाके आराम से बैठ के खाऊंगी। तो ये हम जा रहे हैं, हमें जाते जाते ना हमें सब्ज़ी भी लेनी है और अभी मेरे को अपना बादाम शेक भी पीना है। फ्रेंड्स वहाँ पे ना मेरा भाई मेरे लिए बादाम शेक लेने के लिए गया हुआ है और ना वहाँ पे देख लो कितना क्राउड है, इसलिए मैं वहाँ नहीं गई हूँ, मैं दूर से यहाँ पे वेट कर रही हूँ। तो यहाँ पे गुरुद्वारा है और यहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ मेरे बादाम शेक का। क्या मेरा वाला 13-50 साल मेरा पेटन से पेटन पेमेंट करता हूँ तो बहुत बुरा लगता है। तो फ्रेंड्स मेरा बादाम शेक आ गया है एंड मैं इसको जल्दी जल्दी पी लेती हूँ क्योंकि है ना मुझे इसके बाद चलना भी है, काफ़ी मेहनत है। हाँ तो दोस्तों है ना मेरा शेक मैंने पी ली, अब मैं जा रही हूँ बाय वॉक, फिर मुझे सब्ज़ी लेनी है, जल्दी जल्दी सब्ज़ी लेकर फिर घर को जाती हूँ। अरे मेरा भाई इतने स्पीड से आगे आगे जा रहा है, मेरे को पीछे छोड़ के जा रहा है और कुछ नहीं। लोग है ना सब्ज़ी मार्केट पहुँच गए हैं, बस जल्दी जल्दी मैं यहाँ से सब्ज़ी लूँगी और फिर जल्दी जल्दी घर जाऊंगी। मुझे यहाँ पे पता रास्ते में डॉगी भी दिखाई दिया था जो कि मेरे भाई ने मुझे उसको खेलने नहीं दिया उसके साथ, तो सैड। तो ना मुझे कोई ना गिफ्ट कर दे रहा एक डॉगी मेरे बर्थडे पे प्लीज़। तो फ्रेंड्स यहाँ ना सब्ज़ी लेते लेते ना आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है और मैं थक भी बहुत ज़्यादा गई हूँ, बस जल्दी जल्दी है ना ये सब्ज़ियों का ख़त्म करूँ फिर निकलती हूँ घर। फ्रेंड्स फाइनली घर पहुंच गई हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स मैं ना घर पहुंच गई हूँ एंड ना मेरी हालत देख ही रहे होगे, इतनी स्वेटिंग हो रखी हुई है, बस जल्दी से फ्रेश अप हो जाती हूँ फिर बताती हूँ आगे आगे। मैं पानी भी लेती हूँ, मेरी लस्सी वाली ग्लास में, फिर मैं टेस्ट करूँगी अपना पास्ता। और यहाँ पे मेरे अगर जिम वाले बहन ने मेरी वीडियो देखी तो मेरी बैंड बजेगी, मैं बता दूंगी। तुम लोगों की लड़की को ऐसा पतला मोटू बुटू ऐसा बोले अच्छा लगेगा लुकड़ा। तो फ्रेंड्स मेरा खाना वाना हो गया, छोटा थोड़ा सा पास्ता खा लिया था, चीट मिली समझो इसको। तो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ और आई होप आप सबको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टाटा।